नमस्कार, मैं गरिमा, स्वागत है आपका दस्तक लाइव में। आइए बढ़ते हैं इंदौर की खबरों की ओर। इंदौर में आत्महत्या के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। जहां अपनी दोस्त की मौत के बाद डिप्रेशन में रह रही 15 साल की नाबालिग ने अपने ही घर में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना पर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवाया है। राउजी बाजार थाना क्षेत्र के चंपाबाग कॉलोनी में रहने वाली 15 वर्षीय नाबालिग राबिया ने अपने ही घर में फांसी का फंदा लगा लिया। बताया जा रहा है कि मृतका राबिया कुछ दिन पहले अपने सबसे करीबी दोस्त के साथ झूला झूल रही थी। उसी दौरान अचानक झूला झूलते वक्त एक हादसा हुआ, जिसमें राबिया के दोस्त की मौत हो गई। तब से ही राबिया डिप्रेशन में रह रही थी। जब घर में कोई नहीं था, तब राबिया ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। फिलहाल पुलिस ने मर्ग कायम कर शव को पोस्टमार्टम के लिए MY अस्पताल भिजवा दिया गया है। इससे पूर्व भी कई लोग डिप्रेशन में इस तरह का कदम उठा चुके हैं। हालांकि कई NGO और कई ऐसी वेबसाइट है जिन्हें काउंसलिंग कर हर समस्या का हल निकाला जाता है। लोगों का होना सतर्क होना पड़ेगा कि डिप्रेशन पीड़ित व्यक्ति परिजन जब ध्यान नहीं देते हैं तो इस तरह के कदम उठाए जाते हैं। परिजनों को भी समय समय पर अपने बच्चों का बदलते स्वभाव पर ध्यान देना होगा। मोहम्मद इकबाल खान, क्या हुआ था? वो घर पे कल ना मुहर्रम थे, 10 तारीख थी, तो हमने ना खीर बनी थी, ये इसकी सेव फल की और वो केले की और वो सब के मिला के, तो वो बच्चे कस्टर्ड पाउडर बना के, तो खीर बोले कि भैया वो अभी रोज़ा खोलेंगे खा लेना, तो बैठे बैठे बोली कि अच्छा, खूब मजाक कर रही, खूब बातचीत कर रही, तो बोली कि 2 मिनट में मैं पेशाब करके आ रही हूँ। तो मेरा घर जिस जगह पे है, बीच में रोड है, एक घर मेरा इधर राइट हैंड पे, एक घर मेरा लेफ्ट हैंड पे, तो राइट हैंड वाले में जिसमें हम रहते हैं उसमें बाथरूम और लेटिंग नहीं है, लेफ्ट वाला जो मकान है उसमें लेटिंग बाथरूम है। तो ये लड़की बाथरूम का के घर में गई, अब वो क्या हुआ कि उसके 5-10 मिनट बाद में पानी शुरू हो गया। अब उस चक्कर में हम भूल गए, ध्यान उतर गया हमारा। अब वो जैसे ही रोजा खुलने का टाइम हुआ तो मैंने मेरे घर वाले को बोला कि रजिया, वो भीखू तो उठा ला, सो गई होगी, वो हमेशा सो जाती है, मैंने उसको तो उठा ला तो वो भी रोजा खोल लेगी। जैसे ही उठाने गई तो वो एक साड़ी के सरी का कपड़ा था, जो हम पहले कपड़ा का धंधा था हमारा, तो टुकड़े पड़े हुए, तो वो उसको पंखे का जैसे हुक आता है ना, जैसे छत में एक हुक था उस पर बांध के और गले में लटका के, और वो ऐसी जायजा भी नहीं, तो मुश्किल से 1 फीट 1.5 फीट ऊंचाई पर लटकी हुई। क्या वजह था? हैं, राबिया 15 साल की। नहीं, वजह नहीं है, आज से साल भर पहले क्या हुआ था कि एक ना एक ये स्कूल का है ना, इनका वो बच्चों को वो क्या घुमाने ले जाते हैं ना, तो सारे बच्चों को वहाँ ले गए थे, अपने नखराई ढाई या चौकी ढानी है ना, रहू वहाँ ले गए थे। वहाँ एक बच्ची है ना, झूला झूलने में उसकी डेड हो गई थी। जब से बच्ची ने ऐसे, मेरे को ऐसा लगता है मेरे हिसाब से कि डिफेंसर में रहती थी, तो हमेशा ऐसी बातचीत करती थी, किसी से ज़्यादा बातचीत नहीं करना, किसी से वो नहीं करना, ज़्यादा खाना नहीं, कोई कपड़ा नहीं पहनना अच्छा, ऐसे एकदम अपने आप से मायूस। तो कल यूँ बोल रही थी, मोहम्मद इकबाल खान, पिता चंपाबाग 69/2 चंपाबाग जून इंदौर। मृतका राबिया, पिता मोहम्मद इकबाल, उम्र 15 साल, निवासी 69/2 चंपाबाग इंदौर रहती थी। इसने अपने घर में जो है फांसी लगा ली दिनांक 20/8/21 को। तो इसके जो है यहाँ पे MY लाए आए थे परिजन, और यहाँ पे जो है मैं बताया कि शांत हो गई है, मैं थाना में लेके आए थे। इसका पोस्टमार्टम अभी कोई कारण स्पष्ट नहीं हुआ है, और इसका PM कार्यवाहक उपनिदेशक संतराम सिंह परिहार थाना।